तो दोस्तों भारत के एक और स्वदेशी हथियार को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है और आखिरकार भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की विदेशों पर निर्भरता खत्म कर ही दी और यह जो हथियार है ना वो भारतीय सेना के लिए साथ में भारतीय सुरक्षा के लिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है और इसके आने के बाद में भारत की जो सीमा है वो दुश्मन देशों के लिए अभेद्य किला बन जाएगी। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में जो मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस के फाइटर जेटों के लिए एक विध्वंसक हथियार साबित हुआ और इसने जितने फाइटर जेटों को मारा है ना उतने फाइटर जेट तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं मार सके, क्योंकि यह जो मेन पैड एयर डिफेंस सिस्टम है इसके माध्यम से एक ही सैनिक दुश्मन देश के किसी भी एरियल टारगेट को बड़े ही आसानी से नष्ट कर सकता है। पर दोस्तों हमारे लिए बुरी खबर यह थी कि हम इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आत्मनिर्भर नहीं थे, पर अभी फिलहाल में ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि भारत के DRDO ने स्वदेशी मैन पैड का जो काम है वो लगभग पूरा कंप्लीट कर ही लिया है और अभी मैन पैड के लिए 20 इंफ्रारेड सीकर का जो ऑर्डर है वो DRDO की तरफ से दिया गया है और 2023 के स्टार्टिंग महीनों के अंदर ही भारत का जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि भारत का स्वदेशी मैन पैड भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो उत्तरी सीमा है उस पर अधिकांशतः पहाड़ और बर्फीला इलाका पड़ता है और वहां पर चाहे कर भी हम अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एयर डिफेंस सिस्टमों को ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है और इसलिए हम अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को बिल्कुल सीमा पर तैनात ना करके जहां पर जमीनी इलाके हैं वहां पर तैनात करते हैं और हमारे जो सैनिक हैं वो जाकर इन पहाड़ों पर अपनी ड्यूटी करते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से जब भारत का यह स्वदेशी मैन पैड एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो भारतीय सैनिक आसानी से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पहाड़ों पर तैनात हो सकेंगे और जब भी दुश्मन देश के किसी भी प्रकार के घुसपैठ ये जहाज या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करेंगे तो भारतीय सैनिक इस मैन पैड के माध्यम से दुश्मन देश के किसी भी घुसपैठियों को आसानी से राख कर देंगे। और आप सभी जानते हो कि पहाड़ी इलाकों पर फाइटर जेट भी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते हैं और अपने मैन पैड की जो रेंज है वो 6 किलोमीटर के आसपास है और जमीन से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी एरियल टारगेट को यह आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ में इसका जो वजन है वो मात्र 20 किलोग्राम का है जिससे भारतीय सैनिक आसानी से कंधे पर उठाकर फायर कर सकते हैं और साथ में भारत के स्वदेशी हथियार से बनने से जो विदेशों से हम मैन पैड मंगवाते थे उसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा और भारत का स्वदेशी हथियार भारतीय सेना में अपनी जगह लेगा। खैर दोस्तों इस हथियार को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।